राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां जोरों पर है। 1 नवंबर को शुरू होने वाले राष्ट्रीय कृमि दिवस के तहत सिरमौर जिला में करीब 1,88,000 बच्चों को एल्मेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएगी। कृमि मुक्ति दिवस के मद्देनजर नाहन में स्वास्थ्य विभाग के धगेड़ा ब्लॉक की अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के आयोजन को लेकर चर्चा हुई। धगेड़ा ब्लॉक की बीएमओ डॉक्टर मनीषा ने बताया कि 1 नवंबर को 1 साल से 19 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य शिक्षण संस्थानों में एल्बेंडाजोल की दवा खिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिला में इस बार करीब 2 लाख बच्चों को दवा खिलाई जानी है। नाहन के धगेड़ा ब्लॉक में करीब 35,500 बच्चों को एक ही दिन में ये दवा खिलाई जाएगी। बीएमओ डॉक्टर मनीषा ने बताया कि ये दवा बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बेहद जरूरी है, खासकर ये दवा कुपोषण और खून की कमी से उबारती है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे 1 नवंबर को दवा नहीं ले पाएंगे, उनके लिए विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की गई है और उन्हें 15 नवंबर को दवा खिलाई जाएगी। एनडीडी नेशनल डी वार्मिंग डे हम मना रहे हैं 1 नवंबर 2018 को। ये ऑल ओवर हिमाचल मनाया जा रहा है और सिरमौर में लगभग 2 लाख के करीब बच्चे हैं, 1,88,000 के करीब बच्चे हैं, और हमारे ब्लॉक दगेड़ा में 35,500 के करीब बच्चे हैं जिनको एक ही दिन कवर किया जाएगा। सारे बच्चों को एल्बेंडाजोल एक टेबलेट है, डी वार्मिंग टेबलेट है, ये दी जाएगी। इसमें ये है कि सारे बच्चों को इसमें इम्पॉर्टेंस ये है कि सारे बच्चों को हम एक ही दिन क्यों खिलाना चाहते हैं, इसलिए खिलाना चाहते हैं कि जो वर्म्स हैं वो जब हम एक बार खिलाते हैं सबको, तो सारे वर्म्स का जो भी उनके एग्स होते हैं वो सारे एक ही बार में ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम उनको अलग अलग, इवन घर में भी अगर हम टेबलेट देते हैं किसी एक परिवार को कि एल्बेंडाजोल टेबलेट खाएं, कीड़े दूर करने की गोली खाएं, तो हम कहते हैं कि वो आप एक ही दिन खाओ, क्योंकि अगर आधे आधे लोग खाएंगे तो उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं आता है। तो हम सारे बच्चों को एक ही दिन कवर करना, ये एक बहुत ही अच्छा सोचा समझा प्रोजेक्ट है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।